हेलो फ्रेंड्स, रेखा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये फ्रेंड्स है, 4 दिन पहले का ये ब्लॉग है। ये मेरे दोनों चिपका चुपी को दोनों को मैं थोड़ा गई थी पार्लर लेके गई थी, क्योंकि अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दोनों को मैं लेके गई थी। देखिए दोनों कैसे चोटी काट रहे हैं। ये मेरा चेपू, उसको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका बहुत बाल है ना, इसी वजह से कौन ललो तो इसको चोटी काटते थे ना। तो गूगल को भी थोड़ा, उसका नाखून भी बहुत बढ़ गया था, तो नाखून बढ़ जाने के कारण उसका भी थोड़ा चोटी भी बहुत बढ़ गया था। चोटी नाखून सब काट कुट के उसके बाद गूगल का इतना नहीं बढ़ता है उसका चोटी, लेकिन इसका बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से उसका खत्म होने के बाद फिर मैं गूगल को लेके जाती हूँ। ये वो क्लिप है, अभी गूगल देखिए कैसे बैठा है महाराजा। अभी उसका बारी कब आएगा ये देखे। गूगल का एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं था, उसका पाँव पता नहीं क्यों चल नहीं पा रहा था, इसी वजह से मैं ये दोनों को लेके गई थी। तो ये दोनों का अभी चल रहा है पार्लर का काम इन दोनों का चल रहा है। तो ये दोनों का खत्म होने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं। इसमें जो डॉक्टर है ना, उनका हाथ भी बहुत अच्छा है। अभी दोनों को जो भी मेडिसिन देते हैं ना, वो मेडिसिन बहुत काम कर रही है। दादा कान बान सब साफ कर दिए, चल पा रहा था, दो मेडिसिन खाए हैं। ये वो दादा है जो उसको ट्रिमिंग कर रहे हैं। दोनों को करने के बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं। इसी वजह से ये 2 दिन खाना मेडिसिन देते नहीं कौन हो। तो आप देखिए दोनों का कैसे कर रहे हैं। तो ते देखो नीलो हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ आज का एक ब्लॉग में। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और आप सब कैसे हैं? और कल तो शिवरात्रि का उपवास आप लोग भी सब अच्छे से मनाए होंगे। कल हमारा उड़ीसा में तो रात 1 बज गया महादीप उठते उठते, तो कल बहुत लेट हो गया। तो फिर कल ऐसे गया तो आज जो है, आज हमारी सोसाइटी में एक जन का काली पूजा हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं। वो हर साल अपने घर में ना काली मूर्ति लेके ना बहुत अच्छे से वो विधि पूजा करती हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आज वो जो माँ को आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से पूजा करती हैं, बहुत भव्य से वो पूजा करती हैं। और आप लोग भी जो आपको मन में कामना होगा वो आप माँ से मांग सकते हैं। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल में जो जो नए मेम्बर जुड़े हैं उनको बहुत सारा थैंक यू, और जो पुराने मेम्बर हैं उन लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। तो चलिए लेट ना करते चलते हैं। तो देखिए भी उनका पूजा शुरू हो गया है, जिनके बारे में बोली थी दीदी के बारे में, उनका इस तरीके से वो लोग शिव मैंने शिवरात्रि के अगले दिन ये लोग ऐसे पूजा रखते हैं। और इस दिन पूजा होता है, नेक्स्ट दिन वो लोग सबको, जैसे हम लोग भंडारा बोलते हैं ना, वो सबको बुला के सोसाइटी में सबको बुला के वो प्रसाद देते हैं। बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पूछी थी 63 साल हो गया उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा हो रही है। तो देखिए माँ को जो मांगना है माँ को मांग सकते हैं, कितना सुंदर मूर्ति है। देखिए कल जो पूजा हुआ था ना, आज उनका सब आज प्रसाद हो गया। तो ये मेरे दोस्त लोग आपने उल्लू नहीं जाबो मोदे तरह छोड़ दिया थे कोई ये क्या नहीं देख खाना खा रहे हैं सभी दीदी, सभी यहाँ पे बैठ के सब खा रहे हैं। आज उनका प्रसाद है। तो आज था ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और
आज कल और एक ब्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।